अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बेसन की मिठाई। हम बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बेसन की मिठाई बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बर्तन ले लें। अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन, 3 टेबलस्पून दूध। आप इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं और बॉयल्ड, दोनों जो मर्जी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 1/2 कप, या आप जितना मीठा पसंद करते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। अंडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छा ये एक बैटर बन गया है। अब हम एक कढ़ाही लेंगे, उसमें ऐड करेंगे घी 3 टेबलस्पून। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गरम करेंगे। घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें 1 इलायची डाल देंगे और इलायची को 1 मिनट के लिए गरम करेंगे कि अच्छी सी एक खुशबू आ जाए। जब खुशबू आने लगे इलायची की तो इसमें वो वाला मिक्सचर जो हम लोगों ने बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आंच आपने फुल रखनी है, तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है और चम्मच को आपने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को भी लाइक दे दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से पकाना है, जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। इसका कलर लाइट ब्राउन होने लग गया है तो ये तकरीबन रेडी है। अब हम लोग आंच को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। किसी भी प्लेट में आप डाल के इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद आप इसके पीसीस कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।